हे गाइस, मेरा नाम है अमन चचान और आपका हमारे चैनल टेक्स एंड फैक्ट्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोग बात करने वाले हैं कि आईफोन XR अगर आपके पास है तो आप उसको कैसे आईफोन 11 में चेंज कर सकते हैं, या फिर आपके पास आईफोन X है मतलब कि आईफोन 10 तो आप उसको कैसे यहाँ पर आईफोन 11 प्रो में चेंज कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है, मतलब एकदम असली लगेगा, ऐसा कोई भी फेक नहीं लगेगा और कैमरा भी आपका आराम से काम करेगा, क्योंकि आईफोन जो हम लोग का XR है उसकी स्क्रीन और आईफोन 11 की स्क्रीन, दोनों की स्क्रीन और फ़ोन का साइज़ सेम है। आईफोन 10 और यहाँ पर आईफोन 11 प्रो दोनों का यहाँ पर हम लोग की स्क्रीन सेम है। तो यहाँ पर इस वीडियो को पूरा देखिएगा और यहाँ पर हम लोग दिखाने वाले हैं कि कैसे आप चेंज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया था, यहाँ पर हम लोग के पास आईफोन एक्स आ रहा है, अभी मैंने सेटिंग जाकर दिखाया था। और आपको ये ऊपर से एक कवर ख़रीदना पड़ेगा, ये आपको 70 रुपये से लेकर 300 रुपये तक अलग अलग प्राइजेस में अलग अलग उसमें अवेलेबल है, यहाँ पर ऑनलाइन भी अवेलेबल है, मैं कुछ लिंक्स डाल दूँगा। तो यहाँ पर आपको इसको ऊपर चिपकाना है और ये एक्चुअल में जो कैमरा है ऊपर वाला आईफोन XR का, मतलब आईफोन 10R का, तो 10R के कैमरे के ऊपर एक लेंस आ जाता है और दूसरा लेंस जो है वो आपका आता है फ्लैश लाइट के ऊपर। यहाँ पर आपको कैमरे में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी और पीछे से लुक एकदम डिट्टो सेम आएगा इसको लगाने के बाद। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका पूरा साइज़ सेम है। ये सिर्फ मैंने इसी वजह से बताया था कि जो आईफोन 10R है और आईफोन 11 दोनों का पूरा जो मॉडल है वो पूरा सेम है, देखने में सेम है, सिर्फ कैमरे का डिफरेंस है, साइज़ भी पूरा सेम है। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऊपर से पेस्ट करते हैं। आपको ध्यान ये रखना है गाइस, जो ऊपर वाला कैमरा है वो एकदम अच्छे से नीचे, मतलब आईफोन 10R के कैमरे के ऊपर आए, एकदम प्रॉपरली आप इसको पेस्ट कर लीजिएगा। हालांकि यहाँ पर मुझे वाइट कलर इसका मिला नहीं, इसलिए मैंने वाइट लिया नहीं। वाइट आप लगाएंगे तो एकदम ही पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पर हम लोग ब्लैक लगा रहे हैं तो थोड़ा सा समझ में आएगा, लेकिन उसका भी एक सोल्यूशन हम लोग के पास कि अगर हम लोग आईफोन 11 का केस लेते हैं, बैक केस, उसको अगर आप चढ़ा लेते तब तो कोई शायद ही कोई होगा जो आपको जो पता कर पाएगा कि एक्चुअली में ये आईफोन 10R नहीं है, और मतलब आईफोन 10R है, आईफोन 11 नहीं है। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें पेस्टिंग का पूरा सीन है, मतलब एकदम प्रॉपरली ये पेस्ट हो गया पीछे से। और अच्छी बात ये है कि आईफोन जो 10R सीरीज़ है वो पीछे से मैट सीरीज़ नहीं है, तो आप ऐसे मैट कोई भी कलर ले सकते हैं, अलग अलग कलर्स में अवेलेबल है यहाँ पर, ये ब्लैक, वाइट और जितने भी कलर्स होते हैं उसके सारे, मतलब जितने भी 11 के कलर्स हैं वो सारे कलर्स में यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैमरा जो है वो एकदम, एक ऊपर वाला कैमरा उसके ऊपर आ गया और नीचे वाला फ्लैश के ऊपर। यहाँ पर मेरा 10R जो है वो वाइट कलर का था, इस वजह से यहाँ पर आपको थोड़ा सा फ्लैश का हल्का सा दिख रहा होगा, लेकिन नॉर्मली अगर आप कोई और कलर का होगा तो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर कैमरा भी आराम से काम कर रहा है, जो उसका लेंस भी है वो एकदम अच्छा है, फ्लैश भी एकदम आराम से काम करता है, आप यूज़ करके देख लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग एक फ़ोटो क्लिक करते हैं की तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग का लेंस हाथ से गंदा हो गया, तो थोड़ी सी हो सकता है फ़ोटो अच्छी ना आए, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो फोटो एकदम सही आई। तो गाइस, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही आप जो एक्स है उसको आप 11 प्रो में चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आओ तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो बस, बाय बाय, टाटा।